वेलकम टू तक्षशिला। मैं हूं अभिषेक और आज मैं फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो लेकर। आज हम बात करेंगे भारत के पहले कम्प्लीटली ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम की। यह राज्य अपनी खूबसूरत वादियों, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज और ऊंचे ऊंचे पर्वतों की वजह से एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। साथ ही इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से भारत के लिए इसका सामरिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। इस वीडियो में हम इसकी ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, कल्चर और डेमोग्राफी को ठीक से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम चलते हैं इसकी लोकेशन पे। हमें फोकस करना पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ। अब ये जो जंक्शन पॉइंट दिखाई दे रहा है बिटवीन मेनलैंड इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, हम इसे कहते हैं चिकन नेक पॉइंट। चिकन नेक पॉइंट का जो नॉर्दर्न हिस्सा है, जो थंब की आकृति जैसा दिखाई दे रहा है, वहीं पर सिक्किम स्थित है। अब हम समझते हैं इसके बॉर्डर्स को। तो इसके नॉर्थ और इसके ईस्ट में है तिब्बत का बॉर्डर, इसके साउथ में है वेस्ट बंगाल का बॉर्डर, और साउथ और ईस्ट के बीच में भूटान का बॉर्डर टच करता है, और इसके वेस्ट में नेपाल का बॉर्डर टच करता है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी हिस्ट्री को। तो किंगडम ऑफ सिक्किम की स्थापना 17वीं सदी में नामग्याल वंश के राजाओं ने की थी। उसके बाद लगभग अगले 200 से 300 सालों तक इस पर अनेक बुद्धिस्ट राजाओं ने शासन किया। फिर 1890 में ब्रिटिश इंडिया ने इसे अपने में शामिल कर लिया। एक लंबे समय तक आज़ादी के संग्राम के बाद 1947 में सिक्किम आज़ाद हो गया भारत के साथ। फिर 1950 में सिक्किम ने रिपब्लिक ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया। लेकिन यहाँ के जो राजा थे उन्होंने एक खास शर्त रखी कि यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वही देखेंगे, मतलब वहाँ का शाही परिवार चलाएगा, और जो फॉरेन अफेयर्स और जो डिफेंस है उसे इंडिया देखेगा। फिर ऐसा ही अगले 20 से 30 सालों तक चलता रहा। फिर 1973 में यहाँ के रॉयल पैलेस के सामने कुछ लोग इकट्ठा हो गए और वो विरोध करने लगे और कहने लगे कि अब हमें डेमोक्रेसी चाहिए। वहाँ के राजा ने इस बात को नहीं माना। उसके बाद वहाँ बहुत ज़्यादा भीषण दंगे भड़क गए और अगले एक से दो सालों तक ऐसा चलता रहा। फिर 1975 में इंडिया ने अपनी आर्मी को गैंगटोक सिटी में भेजकर वहाँ के पैलेस को कैप्चर कर लिया। फिर एक रेफरेंडम को ऑर्गेनाइज किया गया जिसके रिजल्ट में सिक्किम 22वां राज्य बनकर यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल हो गया। अब हम बात करते हैं सिक्किम की ज्योग्राफी की। सिक्किम का एरिया लगभग 7000 किलोमीटर स्क्वायर है। इसमें चार डिस्ट्रिक्ट हैं और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ सिक्किम डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आता है वेस्ट सिक्किम, साउथ सिक्किम और ईस्ट सिक्किम। ईस्ट सिक्किम में इसकी कैपिटल गैंगटोक सिटी स्थित है। पूरा का पूरा सिक्किम पर्वतों पर बसा है, जिसकी वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो इसलिए यहाँ के जो लोग हैं वो एक खास तरह की एग्रीकल्चर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसे टेरेस्ड फार्मिंग कहा जाता है। सिक्किम में दुनिया की तीसरी सबसे ऊँची चोटी कंचनजंगा स्थित है। यहाँ के लोग इसे देवी मानकर इसकी पूजा करते हैं। सिक्किम में कई ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं जिनसे अनेकों छोटी छोटी धाराएं निकलती हैं और वो कंबाइन होकर एक बड़ी सी नदी जिसे तिस्ता के नाम से जाना जाता है उसका निर्माण करती हैं। सिक्किम का लगभग एक तिहाई हिस्सा घने जंगलों से घिरा पड़ा है और 80% से ज़्यादा भाग जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है वो ही कंट्रोल करता है। सिक्किम में 28 से ज़्यादा माउंटेन पीक्स, 80 से ज़्यादा बड़े बड़े ग्लेशियर्स, 227 से ज़्यादा हाई अल्टीट्यूड लेक्स, 100 से ज़्यादा नदियाँ और कई माउंटेन पासेस स्थित हैं जो कि इसे तिब्बत, भूटान और नेपाल से जोड़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी क्लाइमेट को। सिक्किम भारत के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहाँ पर रेगुलर स्नोफॉल होती है। यहाँ पर टुंड्रा टाइप जलवायु और सब ट्रॉपिकल जलवायु दोनों तरह की जलवायु पाई जाती हैं। इसका जो नॉर्थ वाला इलाका है वहाँ पर 4 से 5 महीने भारी बर्फ पड़ती है और वो पूरा का पूरा इलाका बर्फ से ढका रहता है। सिक्किम में अमूमन हर रात ही जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से नीचे चला जाता है और मॉनसून के टाइम पे यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है और लैंडस्लाइड आम बात है। अभी हाल ही में भी एक लैंडस्लाइड हुआ था जिसमें कुछ लोगों की डेथ भी हुई थी। सिक्किम में मैक्सिमम रेन का रिकॉर्ड है 11 दिन का। एक बार यहाँ 11 दिनों तक लगातार बारिश हुई थी। अब हम डिस्कस करते हैं सिक्किम की फ्लोरा एंड फ्यूना की। भारत में 3 इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स पाए जाते हैं, जिसमें हैं वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार आइलैंड्स और हिमालयन रीजन। सिक्किम लोअर हिमालयन रीजन में स्थित है जो कि हिमालयन हॉटस्पॉट का एक हिस्सा है। इसकी वजह से सिक्किम में बहुत सी वनस्पतियों की प्रजातियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं सिक्किम में पाए जाने वाली कुछ वनस्पतियों की प्रजातियों के बारे में। सिक्किम में 500 से ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स की प्रजातियां, 515 रेयर ऑर्चिड्स, 36 रोडोडेंड्रन स्पीसीज, 11 ओक स्पीसीज, 23 बैम्बू वेराइटीज़ और 362 फर्न और फर्न एलाइज की प्रजातियाँ और 900 से ज़्यादा मेडिकल प्लांट्स की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। नोबल डेंड्रोड्रोबियम जो कि सिक्किम का ऑफिशियल फ्लावर है भी एक बहुत ही ज़्यादा रेयर स्पीसीज है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पाए जाने वाले जीवों की प्रजातियों की।
यहाँ पर मस्क डियर, हिमालयन ताहर, स्नो लेपर्ड, रेड पांडा, हिमालयन गोरल, मार्बल कैट, लेपर्ड कैट, क्लाउडेड लेपर्ड, तिब्बतियन वॉल्फ और हिमालयन जंगली कैट जैसी अनेकों रेयर स्पीसीज पाई जाती हैं। इसके अलावा सिक्किम में 550 से ज़्यादा स्पीसीज बर्ड्स की पाई जाती हैं और 1438 से ज़्यादा बटरफ्लाई स्पीसीज भी पाई जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिक्किम की पॉलिटिक्स की। तो 1975 में सिक्किम की मोनार्की को ख़त्म करके इसे यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल कर लिया गया और फिर 1977 में पहले इलेक्शंस ऑर्गेनाइज किए गए। इन इलेक्शंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली और एक लंबी इंस्टेबिलिटी के बाद 1979 में नर बहादुर भंडारी, जो कि सिक्किम संग्राम प्रसाद पार्टी के लीडर थे, ये चीफ मिनिस्टर बनते हैं सिक्किम के। उसके बाद 1984 इलेक्शंस और 1989 इलेक्शंस में भंडारी जी दोबारा से पावर में आ जाते हैं। फिर 1994 में पवन कुमार चांगलिंग, जो कि सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी के लीडर थे, ये चीफ मिनिस्टर बनते हैं और 1994 से 2019 तक ये ही सिक्किम के चीफ मिनिस्टर रहते हैं। मतलब एक लंबे समय तक इन्होंने सिक्किम पर रूल किया। फिर 2019 में जो इलेक्शन हुए उसमें प्रेम सिंह तमांग, जो कि एक दूसरी पार्टी इसका नाम है सिक्किम क्रांतिकारी पार्टी, ये इलेक्शन जीत जाती है और सिक्किम के अगले सीएम प्रेम सिंह तमांग बनते हैं। वर्तमान में सिक्किम में 32 विधानसभा की सीटें हैं, एक लोकसभा की सीट और एक राज्यसभा की सीट है। सिक्किम के वर्तमान में गवर्नर गंगा प्रसाद जी हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी इकोनॉमी की। सिक्किम की जीडीपी 3.1 बिलियन यूएस डॉलर आंकी गई थी 2019 में। सिक्किम की इकोनॉमी ज़्यादातर बेस्ड है टेरेस्ड फार्मिंग पे। ये लोग ज़्यादातर उगाते हैं राइस और बहुत सी कल्टीवेशन क्रॉप्स जैसे मक्का, बाजरा, ज्वार, गेहूँ, संतरे, चाय और कार्डमम आदि। सिक्किम भारत में कार्डमम यानी इलायची उत्पादन में नंबर वन स्टेट है। इसकी हिली टेरेन की वजह से यहाँ पर कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज़ कभी भी नहीं आ पाई। ख़ास तौर पर यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज़ पाई जाती हैं जैसे वॉच मेकिंग, डिस्टिलिंग एट्सेट्रा। सिक्किम वॉच मेकिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर हैंड वॉचेस के गियर्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। सिक्किम ने पिछले कुछ 20 या 30 सालों से अपने टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी में कई गुना वृद्धि भी हुई। साथ ही सिक्किम ने 2009 में अपना पहला कसिनो खोला और उसके बाद इन्होंने अपने यहाँ गैम्बलिंग और कसिनो इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। ट्रांसपोर्ट, सिक्किम में 2018 से पहले कोई भी वर्किंग एयरपोर्ट नहीं था। 2018 में इसे इसका पहला एयरपोर्ट, जिसे पैक्योंग एयरपोर्ट कहा जाता है, दिया गया, जो कि गैंगटोक सिटी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इस एयरपोर्ट से पहले सिक्किम का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट था बागडोगरा एयरपोर्ट, जो कि सिलीगुड़ी के नज़दीक वेस्ट बंगाल में स्थित है। आपको बता दूं कि गैंगटोक सिटी और सिलीगुड़ी की जो डिस्टेंस है वो लगभग 124 किलोमीटर है। सो आप समझ सकते हैं कि फ़्लाइट लेने के लिए उन्हें कितनी दिक्कत होती होगी। यहाँ पर नेशनल हाईवे 10, जो कि सिलीगुड़ी और गैंगटोक सिटी को जोड़ता है, वो अवेलेबल है, लेकिन यहाँ की ट्रेन बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से यहाँ पर कभी भी नेशनल हाईवेज पे या फिर रेल प्रोजेक्ट्स पे ठीक से काम नहीं हो पाया। हाल ही में सरकार ने कुछ रेल प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, होपफुली फ्यूचर में यहाँ पर इसको पहला रेलवे स्टेशन भी इसका दे दिया जाएगा। फिलहाल इनका जो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो है सिलीगुड़ी जंक्शन, जो कि अगेन वेस्ट बंगाल में स्थित है। अंत में हम बात करते हैं सिक्किम की डेमोग्राफी और कल्चर के बारे में। सिक्किम भारत के सबसे कम पॉपुलेटेड स्टेट्स में से एक है। इसकी कुल आबादी लगभग 6,10,000 के आसपास है। इसमें से भी लगभग 98,000 तो इनहेबिटेंट्स हैं, जो कि अदर स्टेट से आके सिक्किम में बसे हैं और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सिक्किम भारत के सबसे कम डेंसली पॉपुलेटेड इलाकों में से एक है। यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर लगभग 86 लोग ही रहते हैं। सिक्किम में बहुत सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, लेकिन अगर ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो उसमें से 4 लैंग्वेजेस हैं, जैसे इंग्लिश, नेपाली, सिक्किमीज, जिसे ये लोग भूटिया भी बोलते हैं, इसके अलावा लेपचा। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसेक्स, 57% से ज़्यादा लोग हिंदुज़म को फॉलो करते हैं, जो कि स्टेट का सबसे बड़ा रिलीजन बनता है। उसके बाद आता है बुद्धिज़्म, जिसे 30% के आसपास लोग फॉलो करते हैं। फिर आता है क्रिश्चियनिटी, जिसे लगभग 9% लोग फॉलो करते हैं। सिक्किम में बहुत से हिंदू टेम्पल्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन ख़ास तौर पर सिक्किम जाना जाता है अपनी वज्रयाना बुद्धिज़्म हेरिटेज के लिए। सिक्किम में 17वीं सदी से भी पुरानी लगभग 75 बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज पाई जाती हैं, जो कि सिक्किम के महत्व को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है।
यहाँ की पब्लिक लाइफ, चाहे वो नेपाली हिंदूज हों या क्रिश्चियंस हों, में वज्रयान बुद्धिज्म का इफेक्ट साफ देखा जा सकता है। कल्चरली सिक्किम बहुत ही ज़्यादा रिच है, यहाँ अनेकों हिंदू फेस्टिवल्स एज वेल एज बुद्धिस्ट फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं। सिक्किम के जो नेपाली मेजोरिटी हिंदू हैं, वो दशहरा दिवाली के साथ साथ बहुत से ट्रेडिशनल लोकल फेस्टिवल जैसे माघे संक्रांति, उभाली, चसोक तांगनाम, भीमसेन पूजा और बहुत से फेस्टिवल्स को मनाते हैं। अगर बुद्धिस्ट फेस्टिवल्स की बात करें तो उसमें आते हैं लोसार, सागा दावा, लबाब दुचेन, द्रुपका तेसी और भूमचू आदि। लोसार को तिब्बतन न्यू ईयर भी कहा जाता है और इस फेस्टिवल के टाइम सिक्किम की बहुत से ऑफिसेस को और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को बंद कर दिया जाता है। तो ये था पूरा एनालिसिस सिक्किम का। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।